रामनगरी अयोध्या में भी आज 18 अप्रैल से सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हुआ। 24 अप्रैल तक परिवहन विभाग लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेगा। परिवहन विभाग कार्यालय में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने लोगों को यातायात नियमों को पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। संगोष्ठी के बाद अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता वाहन लोगों को यातायात के बारे में जागरूक करेगा और लोगों से पालन करने की अपील भी करेगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और माननीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत संवेदनशील सरकार है। जनता के प्रति हर क्षेत्र में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे आज जो इस प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण हाईवेज बन गए हैं उनमें कैसे सुरक्षित हम चले भी और सुरक्षित पहुंचे भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, इतनी अच्छी सब सुविधाएं हो रही हैं, तो उसके साथ साथ सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सुरक्षित पहुँचें। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम सुरक्षित करें, हम लोगों को जागृत करें और हम लोगों को बताएं कि कैसे चलना चाहिए। और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी विशेष रूप से मैंने आज ये परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि आप लोग विद्यालयों में जगह जगह छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके प्रेरित करें और बच्चों को बताएं कि सड़क पर चलते वक्त मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना है, स्पीड लिमिटेड होनी चाहिए, मीटर देकर ये ना हो कि हम यदि बढ़िया सड़क मिली है तो 100, 125, 140 भाग रहे हैं तो यदि आपको ब्रेक लगाना पड़ा तो फिर एक्सीडेंट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज ही एक दुर्घटना हुई है अमेठी में जहाँ 6 लोग खत्म हो गए एक्सीडेंट में। बहुत अफसोस है, बहुत कष्टप्रद घटना है।